गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आज क्राफ्ट बुक में से एक एक्टिविटी देखने वाले हैं जो 26 और 27 पेज पे है। ये क्रेप पेपर से हम ये बॉल बनाने हैं और वहाँ पे चिपकाने हैं। ये हमें किस तरह से करना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारे मटेरियल किट में जो ये क्रेप पेपर के स्ट्रिप्स है ये हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसके हम बॉल्स बनाएंगे और जो ये फ्रूट्स है उन पे ये चिपकाएंगे। ये जो स्ट्रिप्स है ये ऐसे ऐसे कट करना है और ऐसे हाथ पे रख के उसको गोल गोल घुमाना है और इस तरह से ये बॉल्स तैयार करने हैं। इस तरह से मैंने ये बॉल्स तैयार किए हुए हैं। अब ये यहाँ पे कैसे चिपकाना है ये मैं बताता हूँ। फेविकॉल लेना है और मैं एप्पल करके दिखाता हूँ किस तरह करना है। यहाँ पे मैं इसे स्क्रिबलिंग करते करते फेविकॉल लगाऊंगा और फिर यहाँ पे हम वो रेड कलर के जो बॉल्स है वो यहाँ पे लगाएंगे। एप्पल रेड कलर का होता है ना, तो हम यहाँ पे रेड कलर लगाएंगे। यहाँ पे हाफ मैंने लगाया है फेविकॉल। अब यहाँ पे इसे ये बॉल्स चिपकाने हैं। इस तरह जगह छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी, पूरे अच्छी तरह से पास पास बॉल्स चिपकाने हैं और थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है ताकि वो निकल न जाए वहां से। अब मेरा जो फेविकॉल लगाया हुआ पोर्शन था वो खत्म हुआ है। अब मैं फिर से नीचे फेविकॉल लगाऊंगा। अब जहाँ जहाँ पे जगह बच गई है वहाँ वहाँ पे फेविकॉल लगाते जाना है और बॉल्स चिपकाते जाने हैं। इस तरह से ये हमारा एप्पल कंप्लीट हुआ है। एप्पल के ऊपर का जो लीव है उसको ग्रीन कलर देना है, लाइट ग्रीन कलर। और यहाँ पे जैसे दिखाया है वैसे आपको ये कलर देने हैं। यहाँ पे ऑरेंज कलर दिया है, ग्रेप्स को डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर दिया है। इस तरह
जैसे यहाँ पे दिखाया है वैसे ये कलर्स आपको कलर के स्ट्रिप के बॉल्स करके यहाँ पे चिपकाना है, और ये जो कलर किया है क्रेयॉन से इस तरह ये कलर करना है। मैंने यहाँ पे आपको ये एप्पल करके दिखाया है, बाकी का आपको इसमें देख के कंप्लीट करना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। इसकी फोटो निकाल के मुझे भेज देनी है ताकि वो मैं चेक कर सकूं।